सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोषार्जवम् शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्। तो सबसे पहला गुण धर्म लक्षण जो भी कह लें, सत्य, और फिर शौच अर्थात पवित्रता, मन की वचन की कर्म की पवित्रता। फिर दया, दया अर्थात बिना कारण अकारण ही किसी के दुख से दुखी होकर उसके दुख को दूर करने की जो इच्छा है, उस भावना का नाम है दया, इस गुण का नाम है दया। फिर क्षांति, क्षांति अर्थात क्रोध जय, क्रोध को जीतना क्षांति है। और फिर से स्पष्ट करूं, शांति नहीं क्षांति, क्ष क्षत्रिय का क्ष है यहां, क्षांति, क्रोध को जीतना क्षांति। और त्याग, और जब त्याग की बात आई थी तो मैंने कहा था भाई श्री कृष्ण के जैसा त्यागी और कोई नहीं है, हो नहीं सकता। रंच प्रेम के लिए ये अपनी सारी प्रभुता, अपने सारे ऐश्वर्य, अपनी सारी भगवत्ता का त्याग कर देते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले हैं श्री कृष्ण। और फिर संतोष, और संतोष का बड़ा सीधा सा अर्थ मैंने आपसे निवेदन किया था, संतोष अर्थात तृष्णा का त्याग। इनका पुनः स्मरण करके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि जो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, केवल इतने से का नाम संतोष नहीं है। हम यही समझते हैं ना कि भाई हमें जो प्राप्त है हम उसी में प्रसन्न है, इसी का नाम संतोष है। पर कभी कभी ऐसा होते हुए भी आगे कुछ और प्राप्त करने की इच्छा होती है, पर यहां है तृष्णा के त्याग का नाम संतोष है। आज भी प्रसन्न है और आगे के लिए भी किसी अन्य विषय वस्तु की कोई कामना नहीं है, इस स्थिति का नाम है संतोष। इसे ही संतों ने परम धन माना है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और फिर आर्जवम, आर्जवम अर्थात सरलता, मन वचन कर्म से एक होना, आपका विचार, आपकी आपकी वृत्ति, आपकी क्रिया सब जब एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, मन वचन कर्म से जब आप एक हैं, जो सोचते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, जब आपका व्यक्तित्व बटा हुआ नहीं होता, इसे कहते हैं सरलता। और जब भगवान ने यह कहा है ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो जहां छल कपट और छिद्र का अभाव है उसी स्थिति का नाम है सरलता, जहां ना छल है ना कपट और ना परदोष दर्शन है, इसे कहते हैं सरलता। फिर शम, शम अर्थात मनस्थैर्यम, मन की स्थिरता शम है, दम, बाह्य इंद्रियों का जो संयम है उसे दम कहते हैं। पहले दम साधा जाता है फिर शम सधता है, शम दम। और शम दम का परिणाम क्या है, जीवन में शक्ति का संचय होता है। इसीलिए पहले शम दम कहा, सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम शमो दमस तपः। फिर कहा शम और दम से युक्त होकर ही कोई तप करता है, और तप अर्थात तप शब्द को समझने में तो बहुत भूल हो जाती है, कोई समझता है जंगल में जाकर धुनी तापने वाला ही तपस्या कर रहा है, भूखा पड़ा है प्यासा पड़ा है वही तपस्या कर रहा है। तप अर्थात अपने अपने धर्म के पालन का नाम है तप, स्वधर्म पालनम तपः। जब आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो आप तपस्वी हैं। आप कहीं भी रहते हैं, आप दुकान पर भी बैठे हैं, लेकिन यदि आप ईमानदारी से अपना व्यवहार चला रहे हैं तो आप वहां उस स्थान पर बैठे बैठे भी तपस्वी ही हैं। और मैं तो एक और बात भी सदा से कहता आया हूं, सब छोड़कर किसी गिरी कंदरा में जाकर बैठ जाना सरल है, पर व्यवहार में रहकर सत्य की आराधना करना बहुत कठिन है,
जब आप संसार में हैं, व्यवहार में हैं, हर हर पल हर दिन आपके सामने कोई ना कोई प्रतिकूलता आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है, आपको अपना कर्तव्य पालन नहीं छोड़ना है। अरे तो बहुत बड़ी तपस्या है। इसीलिए महाभारत के आरंभ में ही गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च आश्रम कहा है। गृहस्थी व्यक्ति यदि केवल निष्ठा से, ईमानदारी से, यदि केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करता रहे तो उसको कोई और तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो सरल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवहार में रहते हुए सत्य का साधन सरल नहीं है। आप किसी कोने में किसी स्थान पर बंद पड़े हैं, आप व्यवहार करते ही नहीं किसी से, तो आपके सामने ऐसी परिस्थिति ही नहीं आएगी। आएगी भी तो बहुत कम आएगी। लेकिन जो व्यक्ति व्यवहार में है उसको तो भाई दिन रात जूझना पड़ेगा इससे, वो तो दिन रात तपेगा ना, संयम की अग्नि में उसको दिन रात तपना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था, ये कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अनेक अनेक बार प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। अब बताओ, कल से पहले, कल की चर्चा से पहले क्या हम जानते थे तप का अर्थ स्वधर्म पालन होता है? तप माने यही सोचते थे भाई, जंगल में, वन में, पहाड़ में, अग्नि में, जल में रहकर कोई तप करता है? ना ना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से उसका निर्वाह करना, ये सबसे बड़ा तप है, श्रेष्ठ तप है। तप के भी अनेक अनेक प्रकार है ना, पर सब तपों में श्रेष्ठ तप है स्वधर्म पालन। और श्री गीता जी में भगवान ने यही कहा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नराः। इसीलिए बहुत पहले से आपको स्मरण हो तो मैं आपसे कहता आ रहा हूं, अपने कर्तव्य से भागो मत। जो आपको प्रारब्ध से मिला है ना, आप ये मत सोचो कि आप उससे भागकर अपने लिए कोई मार्ग बना लोगे। ना ना, वो तो सात पाताल और सात आकाश भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता है। जो जो प्रारब्ध है ना, वो तो कहीं तक भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता। अरे आप सोचो कितना प्रबल होता है प्रारब्ध। एक ज्ञानी महापुरुष जब अपने ज्ञान की अग्नि में अपने सारे विषय विकार भस्म कर देता है, तो भी केवल कभी कभी प्रारब्ध का भोग करने के लिए उसको इस संसार में रहना पड़ता है। प्रारब्ध का क्षय जब तक नहीं हो जाता तब तक वो संसार में रहता है, उसे करना कुछ नहीं है, उसकी कार्य सिद्धि हो गई, उसने अपना कल्याण कर लिया। एक बात आपको और बता दूं, सत्य जान लेने के बाद, इस संसार की असारता का बोध हो जाने के बाद, गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाने के बाद, इस देह का बोझ ढोना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। अपना कार्य कर लिया, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य कर लिया, अब उसके पश्चात क्या करना है? अब कोई सोचे भाई आपके कारण किसी और का कल्याण होगा। मैं तो अपने जीवन में ये बात समझ पाया, हम किसी को सिखाएंगे, हम किसी को बताएंगे, हम किसी को इस रास्ते चलाएंगे, ये विचार ही दूषण स्वरूप है। अनेक अनेक दोष इस विचार में भरे हैं, ऐसा नहीं होता है। काल की, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कल्याण कराने वाले तो प्रभु ही हैं, एकमात्र प्रभु हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, न था, न है, न कभी होगा। ये तो भगवान अपने भक्तों को यश देते हैं, भगवान अपने संतों को यश देते हैं, कह रहे हैं अपने मुख से, मोते अधिक संत करी लेखा। तो भगवान अपने भक्तों संतों को केवल यश देते हैं, करने वाले तो भाई वही हैं, वही हैं, वही हैं। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। अब बहुत सारे लोगों के भाव आते हैं, अपना भाव लिखकर लोग भेजते हैं, दीक्षा निवेदन पत्रों में तो प्राय करके ये बात लिखी रहती ही है कि सत्संग सुनना आरंभ किया, सत्संग सुनते सुनते जीवन बदल गया। तो मुझे बड़ा सावधान रहना पड़ता है, मैं तो मंत्र की तरह जपता रहता हूं ये बात कि कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये जो एक विचार है ना कि भाई मैं सिखा दूंगा किसी को, मैं बता दूंगा, या मैंने सिखा दिया, मैंने बता दिया, ये विचार बड़ा दूषित विचार है।
इसलिए कह रहा हूं भाई, करने को जब कुछ हो नहीं, जीने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। जब आपका कार्य हो गया, जिस लिए संसार में आए थे, उस कार्य की सिद्धि हो गई, उसके बाद तो भाई कभी कभी इस शरीर का बोझ भी ढोना पड़ता है। पर मैं आपको ये बता रहा था कितना प्रबल होता है प्रारब्ध, कि वो ज्ञानी महापुरुष जो अपने ज्ञान की अग्नि में अपने सब विकार भस्म कर देते हैं, तो भी केवल प्रारब्ध के क्षय के लिए उनको इस संसार में रहना पड़ता है। जब तक प्रारब्ध है तब तक रहते हैं। तो प्रारब्ध प्रबल है, इसलिए उससे बचकर भागने का तो कोई उपाय नहीं है भाई। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है, उसको स्वीकार करके पवित्रता से, निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो। अब धर्म का पालन करोगे, धर्मते विरति, संसार से विरक्ति, विषय से विरक्ति हो जाएगी। फीका लगने लगेगा संसार अपने आप। कब लगेगा? जब संसार की असारता का आपको बोध हो जाएगा। आप जब स्वयं देख लेंगे, स्वयं जब आप अनुभव कर लेंगे, भाई ये तो पानी को मथने जैसा है। और कल मैंने आपसे शायद कहा था कि जिस दिन मन उपराम हो जाता है ना, जिस दिन मन को लगता है भाई यहां से सुख नहीं मिलेगा, बच्चा बड़ा होता है, एक दिन जो खिलौना उसको प्राणों से प्यारा था, एक दिन बच्चा उसी खिलौने को एक और फेंक देता है, कभी मुड़ के उसकी ओर देखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसका मनोरंजन नहीं हो रहा है ना खिलौने से, अब उसे कोई और चीज मिल गई है। मन कब तक लगा है किसी से? जब तक उससे कुछ ना कुछ सुख की आशा बंधी है। तो जैसे ही संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है ना, मन अपने आप हट जाता है, फिर नहीं रहेगा यहां, एक क्षण के लिए नहीं रहेगा। लेकिन ये उपरति होती कैसे है? कि धर्म ते विरति, इसी उपरति को प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन किया जाता है। और वही स्वधर्म पालन तप है। तप से दो कार्य होते हैं, शक्ति का संचय होता है, शक्ति का संचय होता है, और तप से भीतर और बाहर की, आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। ध्यान रखना, शक्ति और शुद्धि, ये तप का प्रसाद है। तो शमो दमस तपह, और फिर आया साम्यम। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। और ये गुण भाई भगवान का गुण है। ये तो जब कोई विशुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, तब प्रभु का ये गुण उसमें अवतरित होता है। भगवान की कृपा से, भक्ति की कृपा से, ये जो गुण है ना समता, ये किसी में अवतरित होता है। और जैसे ही किसी में ये गुण आता है, भगवान की भक्ति करते करते जैसे ही किसी में ये गुण आता है, तब वो संत हो जाता है। पहले भक्त होता है, फिर संत होता है। पहले कोई भक्त होता है, फिर संत होता है। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था, तभी प्रभु कह रहे कि मोते अधिक संत करी लेखा। भक्त भी कह सकते थे, पर पहले कोई भक्त होता है, भक्ति करते करते, फिर जब मति स्थिर होती है, रति हो जाती है जब भगवान के चरणों में, और कैसी रति, सुदृढ़ रति, फिर भगवान का ये गुण उसमें अवतरित होता है। और जैसे ही प्रभु का ये गुण अवतरित होता है उसमें, या फिर ऐसा कह लो, सरल शब्दों में कहूं तो, जैसे भक्ति करते करते कोई प्रभु के बहुत निकट जाता है, फिर प्रभु की दृष्टि, प्रभु का शब्द या प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त होता है, उस स्पर्श से ये प्रभु का ये जो गुण है, ये उसमें अवतरित होता है, फिर कोई संत होता है। इसलिए तो कल आपसे कह रहा था, संत कोई बनता नहीं है भाई, कोई किसी को संत बना नहीं सकता, संत बना नहीं जाता है, संत तो कोई भगवान की कृपा से होता है, कोई कोई होता है। एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। अरे नहीं तो भाई, बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, बैरागी क्रोध कर बैठते हैं, ये मेरा शिष्य, ये तुम्हारा शिष्य, हमारा शिष्य कहीं नहीं जाएगा, हमारा शिष्य कहीं और कैसे चला गया। बड़े बड़े त्यागी बैरागी इसी झंझट में आकर पड़ जाते हैं, देखा ही जाता है। जो समत्व को उपलब्ध हुआ है कि ये भगवान का विशेष गुण है, उनके लिए ना कोई अपना है
ना कोई पराया। वो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भाई सब हमारे सब प्रिय, नहीं तो कोई भी नहीं है, हैं तो सभी अपने, नहीं तो कोई भी नहीं। और व्यवहार में रहते हुए भाई इसकी साधना मैं कहता हूं कठिन नहीं है, असंभव है। इसीलिए मैंने कहा यह गुण तो भगवान की कृपा से आता है। और फिर अगला गुण है तितिक्षा। अगला गुण है तितिक्षा। तो मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ तितिक्षा अर्थात। सहनशीलता लगभग लगभग अर्थ सहनशीलता है, पर तितिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो है परापराध सहनम, किसी के अपराध को सह लेना। किसी ने आपके प्रति अपराध किया, आप में उत्तर देने की, आप में प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, पर आपने नहीं किया। जहां नहीं होती ना वहां सहनशीलता है, जहां नहीं होती वहां सहनशीलता है। लेकिन जहां आप उत्तर दे सकते हैं, आप प्रतिकार कर सकते हैं, पर आपने नहीं किया, परापराध सहनम। जैसे कल मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, महर्षि भृगु नारायण के वक्षस्थल पर पादप प्रहार करते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, पर भगवान उत्तर नहीं देते। अरे उत्तर क्या, भगवान तो उल्टे ये पूछते हैं कि आपके चरण कमल में कोई चोट तो नहीं लगी, हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरण कमल हैं, आपने ऐसे प्रहार किया, आपको चोट तो नहीं लगी। इसे कहते हैं तितिक्षा। धरती आनंदित हो रही है भगवान के गुणों का कीर्तन करके। इसीलिए गुरु साहब वाणी में कहते हैं गुण सब तेरे औगुण सब मेरे। गुण तो सब भगवान के ही है भाई, ये भगवान में ही रहते हैं। जिस किसी के जीवन में कहीं किंचित अंश मात्र में इन गुणों का दर्शन होता है वो वस्तुतः भगवान की भक्ति की ही कृपा से होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब जीव और भगवान के बीच में भक्ति आती है, जब भक्ति का तार जुड़ता है जीव और भगवान के मध्य में, तब भगवान से इन गुणों का संचार होता है। भक्ति के माध्यम से भगवान से इन गुणों का संचार किसी में होता है, किसी महापुरुष में होता है। गुण तो सब भगवान में ही रहते हैं, गुण तो सब प्रभु के ही है, प्रभु में ही है, प्रभु से ही है। जीव में तो आते हैं, भगवान का भजन करते करते आते हैं, भक्ति करते करते आते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत संगना पावै प्राणी। तभी काकभुसुंडी जी ने कहा था भगवान से, प्रभु आपने सब कुछ देने की बात की, लेकिन वो जो सर्व सुखों की सकल गुणों की खान जो भक्ति है, आपने वो देने की बात क्यों नहीं की, वो दीजिए मुझे। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आकर विराजमान हुई, सब गुण उसके हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जिनके हृदय श्री राम बसे, तीन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय प्रभु चरण बसे, तीन गंगा स्नान कियो ना कियो। जिनके हृदय श्री राम। कैसा अपराध किया है महर्षि दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश का, फिर कुछ नहीं कहते, उल्टे प्रभु से प्रार्थना और कर रहे हैं कि हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जैसे भरत जी ने कहा ना वहां मानस में, जो मो पे रघुपति अनुकूला। तो भरत जी ने कहा तो कपि हो ये विगत श्रम सूला। यहां मानो महाराज अम्बरीश यही बात कह रहे हैं, जो मो पे रघुपति अनुकूला।
भूला तो ऋषि हो ही विगत श्रम सूला। इनका सारा ताप, इनकी सारी पीड़ा, इनका सारा कष्ट अभी अभी दूर हो जाए, ये ताप अभी शांत हो जाए यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है। इसी कहते हैं पर अपराध को सह लेना। अब आज का व्यक्ति तो कहेगा हाँ ये तो बड़ी दुर्बलता की बात है, कैसी दुर्बलता सिखा रहे हैं आप। ना ना, पर अपराध सहने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, मन की शक्ति चाहिए पर अपराध को सह लेने के लिए। नहीं तो हो सकता है आप हाथ ना चलाओ, मुख ना चलाओ, मन तो चला ही देते हो ना, मन तो चल जाता है किसी का अपराध देखकर, सोच लेता है कुछ ना कुछ उसके लिए, कुछ अनुचित कुछ अहित की बात मन तो सोच ही लेता है ना। मन भी ना जाए उस वक्त, मन शांत रहे, मन अपने अपने उसी आनंद में स्थित रहे। किसी ने अपराध किया, आपने सह लिया, कुछ नहीं कहा, इसके लिए बड़ी शक्ति चाहिए। इसीलिए कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। यहां अवस्था की बात नहीं हो रही, बड़ा माने जो गुरु है, जिसमें गौरव है वो क्षमा कर सकता है, जिसमें शक्ति है वो क्षमा करेगा। दुर्बल व्यक्ति तो प्रतिकार की भावना से ग्रस्त हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। कितना बड़ा अपराध है, इससे बड़ा और क्या अपराध होगा। सोते सोते पांच बालकों को अश्वत्थामा मार देता है, वो आतताई, भगवान को भी क्रोध आ गया। तो द्रौपदी कह रही है नाना इसको छोड़ो, अरे ब्राह्मण है ये गुरु पुत्र है, सह गई। इसे कहते तितिक्षा, परापराध सहनम, ये तितिक्षा है। और हमारे व्यास जी कहते भक्त बिन कौन सहे अपमान, माने ये तितिक्षा अगर किसी के जीवन में आ सकती है तो केवल और केवल भगवान की भक्ति से आ सकती है। कोरा ज्ञानी तो कभी कभी क्रोध और अहंकार से भर जाता है, जो कोरा ज्ञानी है ना, जिसमें जिसमें भक्ति का पुट नहीं है, जिसके ज्ञान को भक्ति का आश्रय नहीं है, जिस ज्ञान के सर पर भक्ति ना हो ना, अनाथ है वो ज्ञान। ऐसे पुत्र के सिर पर माता ना हो तो बालक अनाथ हो जाता है ना, ऐसे जिस ज्ञान के सर पर भक्ति ना हो तो फिर वो ज्ञान अनाथ है, वो वैराग्य भी अनाथ है। भक्ति सनाथ करती है ज्ञान और वैराग्य को। तो फिर अगला ये गुण है तितिक्षा, भगवान सह लेते हैं। और अगर भगवान में तितिक्षा ना हो, अगर भगवान में ये गुण ना हो ना, अगर भगवान में तितिक्षा ना हो, फिर तो भाई जीव कभी किसी काल किसी युग किसी प्रकार से भी भगवत कृपा का पात्र हो ही नहीं सकता। हमारे कितने कितने अपराध प्रभु सहते हैं, रोज सहते हैं, हम रोज सेवा में बैठते हैं, हम रोज भाव से जब प्रभु के निकट जाते हैं, पता नहीं कितने अपराध जीव करता है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा अवगुण करे समुद्र सम, प्रभु नहीं देखते। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना प्रभु के स्वभाव से संबंधित, यही हमारी प्रीति को सुदृढ़ कराएंगी। हम इन गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रभु के स्वभाव का विचार हो रहा है ना, यहां प्रभु के स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं। और प्रभु के स्वभाव के चिंतन का फल क्या है, प्रभु में प्रीति। जब कोई प्रभु का प्रभाव जानता है तो उसकी श्रद्धा होती है, वो नमस्कार करता है। लेकिन जब कोई प्रभु का स्वभाव जानता है, नाही भजन तजी भाव आना, और फिर अगला गुण धरती माता कह रही उपरति ही। उपरति माने नहीं, उपरति का अर्थ केवल उदासीनता नहीं है, उपरति का अर्थ है वृथा व्यापारोदासीनता, जो व्यर्थ का व्यापार है उससे उदासीन हो जाना। सब प्रकार से उदासीन हो जाएगा तो साधन से भी उदासीन हो जाएगा, सेवा से भी उदासीन हो जाएगा, ना ना, जो वृथा का व्यापार है उससे उपराम हो जाना। जैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, बोले अविवेकी कहा तो कह तो सब गए और के सब छाड़े, या तो सब कुछ स्वीकार कर लेगा
या सब कुछ छोड़ देगा। और बोले विवेकी कहा जो भली गहे और बुरी छाने, भला भला ले ले और बुरा बुरा छोड़ दे। और भला और लेने के लिए और बुरा छोड़ने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। इसलिए कहा बोले विवेकी कौन है जो भली गहे और बुरी छाड़े। कोई विवेक से ही साधु होता है, विवेश से साधु नहीं होता है, कोई विवेक से साधु होता है। साधुता अर्थात जिसका विवेक जगा है। तभी कबीर कह रहे हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। हर व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा, हर वस्तु ऐसी मिलेगी जिसमें गुण होगा दोष, प्रॉज एंड कॉन्स ये सब साथ साथ में रहते हैं ना। अब आप सोचो क्यों क्यों हमको कोई बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा? क्योंकि आप भी ऐसे ही हो, हम भी ऐसे ही है, हमें भी गुण भी है और दोष भी है, हमको ऐसा ही कोई मिलेगा? आपको जीवन में सुख से रहना है, शांत रहना है, फिर आपको समाधान ये करना पड़ेगा भाई गुण देखो, गुण देख कर व्यवहार का निर्वाह करो, दोष छोड़ते चले जाओ। अब बोलो कैसे छोड़ दे दोष? क्योंकि वो भी आपके मेरे दोष छोड़ रहा है, थोड़ा सा हमारा गुण कोई देखता है अपने पास कर लेता है, दोष हमारे छोड़ देता है। जब किसी का दोष देखते हो ना, जब किसी का दोष देखकर क्रोध करते हो, उसको दंड देने का विचार करते हो, एक बार ये याद कर लेना कि प्रभु मेरे कितने दोष देखकर मुझे क्षमा कर रहे हैं। आपके घर का सेवक सहयोगी हो, उससे छोटी सी गलती हो जाए आप चिल्ला पड़ते हो, उस पर अपमान कर देते हो, उसका हृदय दुखा देते हो कभी कभी, तो मैं जानता हूं। पर भूलना नहीं भाई, कोई भी उस स्थिति में यदि कार्य कर रहा है ना, तो बेचारा किसी अभाव से ग्रस्त है, वो उसकी विवशता है। किसी की पीड़ा बढ़ाइए मत अपनी किसी शब्द अपनी किसी चेष्टा से, ऐसा तो कभी नहीं करना। प्रभु को भजने वाला तो ऐसा कभी ना करे, हरि का भजन करने वाला तो ऐसा कभी ना करे। अरे किसी के सुख का साधन ना बन सके तो अपने शब्द से अपने अपने व्यवहार से अपनी किसी क्रिया से किसी के दुख का कारण तो कदापि ना बने, कदापि ना बने। बहुत साल पहले ये दो पंक्तियां मैंने सुनी थी। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं बुल्लिया मंदर टा मसीदा टा टा जड़ा कुछ टहंदा पर कदे ना टावी दिल किसे दा रब दिला विच रहंदा। आ जाए ना किसी पर क्रोध, किसी का दोष दिखाई पड़ने लगे आपको, आपका आपके मन में आए आए भाई इसको उत्तर देना, जिसको सिखाना चाहिए, एक बार सोचना जरूर कि प्रभु मेरे कितने दोष क्षमा करके बैठे हैं, कितने दोष भगवान मेरे क्षमा कर रहे हैं। इसी का नाम तो साधना है। आप कितने अच्छे साधक हो ये आपके पूजा के स्थान पर बैठने से पता नहीं चलेगा। यही तो साधना है, यहीं से तो आपका वास्तविक व्यक्तित्व परिलक्षित होता है, यही तो आपके अंतस का दर्शन कराता है, भीतर से आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। कभी कहा था मैंने आपसे, देखना अपने आप को, विचार करना, छोड़ सकते हो अपना सुख किसी के लिए, अपने हिस्से का सुख छोड़ सकते हो किसी के लिए? किसी ने किया है आपका अपराध, क्षमा कर सकते हो उसको? और क्षमा माने क्षमा, स्वस्थ हृदय से क्षमा, चिढ़ते कुड़ते हुए क्षमा नहीं, स्वस्थ हृदय से क्षमा कर सकते हो? इन सब कसौटियों पे परखा जाता है स्वयं को, भाई मेरा पांव सदमार्ग पर पड़ा भी है कि नहीं, कहीं भ्रम तो नहीं है। और इसको कोई आश्चर्य ना समझना कि भ्रम क्या है, अरे इसमें जन्म जन्म बिता दिए आपने, मैंने भ्रम में ही तो बिताए, जन्म जन्म भ्रम में ही तो गंवा दिए, फिर भ्रम हो सकता है? हो सकता है वो भ्रम का अंधेरा अभी छटा ही ना हो, हो सकता है अभी प्रकाश की किरण फूटी ना हो, लग रहा हो कि हम चल रहे हैं चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे। मैं
मैं तो सदा आपसे कहता आया हूं भाई और कहता रहूंगा, आप अपने मंदिर में बैठकर क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। आपका व्यवहार कैसा है, आपका जीवन सुंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप में ये सद्गुण विकसित हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैंने कहा कि क्यों गाए धरती माता ने भगवान के ये गुण, अरे भगवान तो अनंत गुण संपन्न है, ये कुछ गुण क्यों गाए। इसलिए आपको मुझे बताने के लिए, भाई इनमें से कुछ गुणों का किसी अंश तक हम अपने जीवन में संचय कर सकते हैं और कृष्ण भक्त को तो करना चाहिए। जिसके संग रहो, जिसके साथ रहो, उसके जैसा हो जाना ही तो पड़ता है। एक कन्या विवाह करके ससुराल में आती है, ससुराल के सब रीति रिवाज, सब तौर तरीके वो स्वीकार कर लेती है कि नहीं, अपना लेती है कि नहीं। अब प्रभु के होने चले हैं, प्रभु से संबंध बनाना है, तो भाई प्रभु के कुछ गुण हमारे जीवन में आने चाहिए ना। तो उपरति है वृथा व्यापारो परामता, जो व्यर्थ का व्यापार है उसको छोड़ते चलना है, सार सार की बात को ग्रहण करते चलना है। इसीलिए कल शायद मैंने आपसे कहा था कि समय का अपव्यय ना हो, शक्ति का अपव्यय ना हो, जो आपकी सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, उसका अपव्यय मत करिए। ऐसे बैठ गए, मोबाइल हाथ में लिया, एक घंटा बिता दिया रील देखते देखते, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, शक्ति का कितना अपव्यय हुआ। जो अनावश्यक था वो सब आप अपने भीतर ले गए, ये विचार आप भीतर जाकर पता नहीं कब क्या कैसा उत्पाद करेंगे, क्या बीज डाला आपने। और भगवान का ये दिव्य गुण है, जब दोष भी नहीं देखते ना भगवान, तो यही सोच करते भाई व्यर्थ की बात है, इसको क्या देखना। श्री सीता सहचरी जी, जब देखा उन्होंने चीधराइन जी को कि वो निर्वस्त्र बैठी हैं कोठरी में, कोने में, क्यों, क्योंकि जो एकमात्र वस्त्र था उसको बेचकर तो साधु सेवा कर दी, तन ढकने को वस्त्र नहीं है तो बाहर कैसे आए। तो जब कोठरी में आकर देखा, पूछा, अरे आप यहां ऐसे निर्वस्त्र, बस इतना ही कहा। बोले अरे क्या व्यर्थ की बात करती हैं, कुछ सार की बात करिए, आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आ रही हैं, बैठिए कुछ प्रभु की बात सुनाइए। बोली ये मिट्टी का देह है, उघाड़ा क्या और ढका क्या, ये व्यर्थ की बात मत करिए, भगवान की बात करिए। बैठ गए किसी के साथ, बैठ गए घंटों बतिया लिए, कितनी कितनी निस्सार चेष्टा आई है, कितनी व्यर्थ की चेष्टा आएगी। इसलिए बार बार आपको सावधान करने का विनम्र प्रयास करता हूं कि साधक के जीवन में कुछ भी हो लेकिन समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी क्षति हो, समय की क्षति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय ही जीवन है। आप कहते हो जल ही जीवन है, वायु ही जीवन है, ना ना, समय ही जीवन है, समय ही जीवन है, समय की क्षति नहीं होनी चाहिए। और आप इसके लिए बहुत सावधान रहोगे, बहुत अधिक सावधान आप रहोगे, तब भी आप देखना कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। और अगर आप सावधान नहीं रहे, फिर तो भाई कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, फिर तो कहना सुनना है ये सब, फिर तो ये कथन श्रवण केवल मनोरंजन का साधन बन के रह जाएगा। और आप प्रयास करोगे, आप देखना, जब आप प्रयास करना आरंभ करोगे धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी, जब आप सावधान रहोगे धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य बढ़ने लगेगी। मैं तो बहुत पहले ये बात कहा करता था, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति जीवन भर ऐसी हाथ जोड़ के घिघियाता मिमियाता रहे। अरे उसको समर्थ होना चाहिए। कोई भी पिता प्रसन्न होता है उस दिन जिस दिन उसका पुत्र व्यापार में, व्यवहार में, समृद्धि में, संपत्ति में उससे भी आगे निकलकर खड़ा हो जाता है। पिता को इससे अधिक प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। और फिर संत का तो गुण यही है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान।
क्यों शिष्य सदा शिष्य ही बना रहे, उसमें भी तो गौरव आना चाहिए, उसमें भी तो गौरव आना चाहिए, वो गुरु सा हो जाना चाहिए, उसके जीवन में भी वो गुरुत्व आना चाहिए ना। यदि शिष्य हुआ है तो शिष्य ही बने रहने के लिए थोड़ी हुआ है। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जीवन भर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी बना रहे, इंजीनियर कभी बने ही नहीं, टोटल फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये तो सब कुछ व्यर्थ है। जो पढ़ने गया है वो जीवन भर उसका विद्यार्थी बना रहे, वो उपलब्धि कभी उसको मिले ही नहीं, तो भी कोई व्यर्थ की बात है। और कभी कहा था मैंने, भूखे को दो भोजन रोटी खिलाना अच्छा है, भोजन कराना अच्छा है, और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कमाने लायक बना दो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको आप आत्मनिर्भर बनाइए। ऐसी मुझे लगता है कि गुरु का ये पवित्र कर्तव्य है, वो अपने शिष्य को आत्मनिर्भर बनाए, वो उसको उसकी शक्ति से परिचित कराए। और ये बात मैं शायद इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि सौभाग्य से मुझे ऐसा गुरु मिला, मुझे ऐसा गुरु मिला। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति बार 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 किसी ना किसी प्रकार से संदेशा भेज रहे थे कि एक बार हमारे घर आई, एक बार हमारे घर आई। मैंने पूछा, पूछवाया, भाई क्यों आए, क्यों आए? मैंने बहुत सुंदर घर बनाया, मेरा घर देखी भाई। और कोई बात होती तो मैं फिर भी चलो विचार करता, भाई हमारा बड़ा भाव है, आपकी सेवा करने का मन है, आपको कुछ भोजन कराने का मन है, ये सब बात होती तो समझ में आई। बोले हमारे घर आइए, हमारा घर देखिए, हमने बहुत सुंदर घर बनाया। मैंने कहा मैंने अपने गुरु की कृपा से रब का घर देख लिया है, मुझे किसी का घर नहीं देखना है। हाँ, और मैं यहां से कह रहा हूं ये बात, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी किवें लब्बे शाम मैनू, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया छड़िया खुआरिया, कितों ने रंगाइया पुछ दिया सारिया, कितों ने रंगाइया अखा, पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया, कितों ने रंगाइया अखा, पुछ दिया सारिया कितों ने रंगाइया अखा, पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया, कितों ने सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संयोग जी। संजोग, ये मुझे संयोग क्यों सुनाई दे रहा है? संजोग है ना, जो भाषा होती है ना,
उसका अपना एक उच्चारण होता है ना। सतगुरु मेरे आ मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे होइया निरोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे होइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया छड़िया खुमारियां, कितों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारियां, का भाई जो देखना था वो देख लिया, अब किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, अब कुछ और नहीं देखना है। हाँ भाई देखो यहां रहना है, अब पता नहीं कब तक रहना है, प्रभु जानते हैं, और सबकी तरह मेरी भी यही इच्छा है कि भाई जब तक रहना है तब तक सुख से रहना है। और गुरु की कृपा से यह समझ में आ गया भाई सुख से कैसे रहा जा सकता है। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु से, हरि का गुण गाते गाते रहना है, बस एक बात समझ में आ गई, प्रभु का गुण गाते गाते यहां पर रहना। और यही उपरति है, वृथा व्यापारो परामता, वृथा के व्यापार से व्यर्थ का जो लेना देना है। इसलिए कल मैंने आपको कहा था धीरे धीरे इसका प्रयास करिए अपने जीवन में, हमारा जो व्यवहार है कम हो, कम से कम। जितना कम से कम हम बोल सकें, व्यर्थ की बात सुनने की क्या आवश्यकता है, व्यर्थ की चर्चा सुनने की क्या आवश्यकता है, उससे क्या होगा, जो सुना है वो भीतर कभी ना कभी विक्षेप पैदा करेगा। होता है कि नहीं आप भजन करने बैठते हो सालों पुरानी बात कभी याद आ जाती है, वो भीतर है ना, वो भीतर पड़ी है बीज रूप में, कभी ना कभी अंकुरित हो जाएगी। अब भाई पहले जो गलती होती रही सो होती रही, कम से कम आगे तो ना हो। हमको सत्संग मिला है, हमको संत मिले, गुरुजन मिले, कम से कम उनका ये प्रसाद तो हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो कि भाई जो गलतियां हुई सो हुई, आगे और ना हो, कम से कम हो। और फिर आगे माता कहती है श्रुतम, श्रुतम अर्थात जो शास्त्र के वास्तविक अर्थ को जानता हो, सुष्ठु श्रुत हो, शास्त्र के वास्तविक अर्थ को जानता हो। अब हम सोचेंगे भाई ये गुण हम में कहां से आएगा, कौन शास्त्र पढ़ेगा, कौन विचार करेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरी भगति भवानी। सब वेद शास्त्रों का सार स्वरूप सिद्धांत यही है, अंतःकरण की शुद्धि हो
भगवान में प्रीति। मैं पुनः आपको स्मरण दिलाऊं, जितने साधन कहे गए हैं केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं, मन शुद्ध हो जाए उससे। सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोषयार्जवम् शमो दमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम्। आगे कहते हैं भगवान वेदव्यास, और यहां माता धरती श्री कृष्ण के गुणों का अनुकीर्तन करते हुए कह रही हैं। ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दमेव च। फिर है ज्ञानम। अच्छा, भगवान को ज्ञान नहीं है, भगवान में ज्ञान नहीं है, भगवान ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भगवान ही ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। बाकी इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वज्ञता, जो सर्वज्ञ हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हो। और ऐसे तो केवल प्रभु ही हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये महादेव कह रहे हैं, ये बात महादेव ने कही। ओई जो राम रची राखा को कर तरक बढ़ावई सा। संत भी यही कहते हैं, तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। तभी सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास होनी सो होगी मूरख सोच करे रविध नाटारे नाही डरे रविध नाटारे नाही। भूलना नहीं राम रचाया हो रहे, अटल किया जो राम, रत्ती घटे न तिल बढ़े अटल राम का काम। प्रभु जानते हैं, सब जानते हैं, सर्वज्ञ केवल एक प्रभु है। इसीलिए कहा, यह जो ज्ञान कहा, ज्ञानम अर्थात सर्वज्ञता, और सर्वज्ञ केवल ईश्वर है, एक, दूसरा नहीं कोई। कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है, कोई और अधिक जानता है, लेकिन सब कुछ कोई नहीं जानता है। सर्वज्ञ केवल ईश्वर है, केवल प्रभु है, सर्वज्ञ केवल भगवान है। कोई त्रिकालज्ञ हो सकता है, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला हो सकता है, लेकिन उसके जानने की भी एक सीमा है, उसके जानने की भी एक अवधि है, एक लिमिट है, वो उससे अधिक नहीं जान सकता है। सब कुछ जानने वाले तो प्रभु है, ये गुण प्रभु का है। और फिर कोई उनका भजन करता है, किंचित उसमें भी आ जाता है। आपने बड़ा बड़ा अच्छा बड़ा सुगंधित इत्र लगाया हो, आप एक क्षण के लिए किसी को हृदय से लगाओ, थोड़ी सी खुशबू चली जाती है ना उसके साथ। अब भक्त तो भाई दिन रात लगा ही रहता है भगवान के साथ में, नाम जप रहा है, सेवा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भक्त तो दिन रात मन से वचन से कर्म से प्रभु के संग ही तो लगा है। ऐसे भगवान के गुण आते हैं। अरे श्रीवत गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज तो कहते, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है भक्त भगवान से एक हो जाता है। संसार के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे मीरा बच गई विष पी के। अरे मीरा भक्त है, और भक्त और भगवान में अभेद होता है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। इसमें तो कोई भी आश्चर्य नहीं, तो बड़ी बड़ी छोटी सी घटना है। अगर भक्ति के वैभव का विचार किया जाए, अगर भक्ति की सामर्थ्य का विचार किया जाए, तो बड़ी छोटी सी घटना है। कौन मिटाए उसे, जो भगवान से एक हो गया, मन वचन कर्म से एक हो गया, जिसकी चेतना तद्वत हो गई है, उसको कौन मिटाएगा। जिसको राखे पिया, राखे पिया माने इसको भगवान अपने पास रख लें,
अपने निकट रख लें प्रभु जिसको, उसको कौन मिटाएगा? जिस दा साहिब डाढ़ा होए तिसको मार न सके को। और फिर मेरे प्रभु का तो ये स्वभाव है, विरद है ये तो प्रभु का। औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले, सांस सांस प्रतिपाले। मैंने आपको शायद बताया था ना, जब मैंने पहली बार ये पद पढ़ा था ना सूरदास जी का, कि पारथ के सारथी हरि आप भये हैं और भगत बछल नाम निगम गाए गए हैं, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती। और जब मैंने अगली पंक्ति पढ़ी, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। कहीं से गर्म हवा का झोंका प्रभु ने नहीं लगने दिया। तो खैर, हम बात कर रहे थे जब कोई भजन करता है, जब किसी की चेतना तदाकार होती है, फिर उसमें इन गुणों का संचार होता है, ये गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसमें। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए। चमत्कार तो बड़ी बड़ी बुरी, बड़ी ओछी, बड़ी छिछली बात है, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए। चमत्कार नहीं है, ये तो भक्ति का वैभव है। ऐसी ही होती है भगवान की भक्ति, ऐसा ही होता है भगवान का भक्त। इसे कहो ये तो भक्त का वैभव है। और भगवान सदा से हर युग हर काल में भक्तों के माध्यम से भक्ति का वैभव प्रकट करते ही आए हैं। रैदास जी भरी सभा में गा रहे हैं, काशी के उन ब्राह्मणों ने खूब वेद मंत्रोच्चार किया है, सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, कुछ नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की वारी आई। अब रैदास जी कह रहे, प्रभु मैं दीनहीन, साधन में मेरी कोई गति नहीं है, ना मेरे पास वैसी कोई सामर्थ्य है, मैं तो क्या कर सकता हूँ, रोकर गाकर आपको पुकार सकता हूँ। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे गरीब निवाज, गुस्सियाँ मेरो गरीब निवाज, गुस्सियाँ मेरो माथे छतर धरे धरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। इसलिए कभी कोई ऐसी कथा जब पढ़ने को आती है, जैसे मीरा जी ने विष पिया, कुछ नहीं हुआ, कबीर जी को सिकंदर ने कितनी प्रकार से मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे वो तो भीतर से प्रभु से एक हो गया है। भक्त का तो शरीर भी चिन्मय हो जाता है कभी कभी, तभी तो मीरा सशरीर भगवान में विलीन हुई, नामदेव सशरीर भगवान के पास गए। भगवान की भक्ति करते करते, प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु के रूप का ध्यान करते करते, ये दो बात जिसके जीवन में सहज हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, ध्यान से सुनना, भगवान नाम और भगवान के रूप का ध्यान, वो प्रकृति के मध्य रहते हुए प्रकृति के गुणों से अतीत हो जाएगा। और ये मैं कोई आपको चमत्कार की बात नहीं बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं चमत्कार तो बड़ी ओछी छिछली बात है, ये भक्ति का वैभव है। और कोई भी युग हो, सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर हो, या ये घोर कलिकाल हो, पर भक्ति का ये वैभव सदा प्रकट है, सदा प्रकट है। अरे वो जो भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है, उसके वशीभूत ये मन जो बार बार पाप में प्रवृत्त होता है, भगवान का नाम जपते जपते मन शुद्ध होता है कि नहीं, मन न्यारा हो गया कि नहीं, मन प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है कि नहीं हो जाता, दीर्घ काल तक भजन करते करते सहज ही संसार के विषय से उपरति होती है कि नहीं होती,
अवश्य होती है भाई, अवश्य होती है। ऐसे ही जब भक्ति बहुत बढ़ जाती है, जब भाव बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है, फिर भक्त का ये जो पांच भूत का देह है ये भी साधारण शरीर नहीं रहता। अरे हमारी भोली सखी के ही जीवन की घटना है, ऐसा था ना महाराज जी कि उनकी कोई शल्य क्रिया हुई थी, उनका कुछ कुछ उनको शरीर में व्याधि थी, तो डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा कान की, तो उस डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उनकी शल्य चिकित्सा जब होनी थी तो डॉक्टर पहले एनेस्थीजिया देने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और शायद बिना ही उसके उनका ऑपरेशन हुआ। जबकि बाद में उन्होंने ये कहा कि पहले मैंने नाम जप किया तब मुझे थोड़ी पीड़ा थी, लेकिन उसके बाद जब मेरा मन रूप में लगा पूरे मुझे पता ही नहीं चला ये सब कार्य कब हो गया। ये तो कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी, अभी की घटना है ये। इसलिए मैंने कहा नाम और रूप जिसके जीवन में सहज स्थिर हो जाएगा, सहज और स्थिर, धीरे धीरे भीतर बाहर, भीतर बाहर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, आप स्वयं देखेंगे, संसार देखता है। इसीलिए तो आपको बार बार कहता हूं भाई ये कोई कहने सुनने मात्र का विषय नहीं है, थोड़ी देर पहले यही तो आपसे कह रहा था, जीवन भर सुनते ही नहीं रह जाना भाई, हमको सुनना है क्योंकि हमें सुनते ही नहीं रह जाना। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, उपनिषद कहते हैं सुनिए, फिर उसका मनन करके विचार करके कुछ उसको धारण करिए, अरे देखिए तो सही, कोई कौतुक आप भी तो अपने जीवन में देखो। हजार बार मैंने आपसे कहा कि भाई भूलना नहीं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काले, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। जब जब जपो नाम, अपने मन में ये भाव रखना चाहिए ना भाई, भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर है और भगवान के नाम में भगवान का सारा ऐश्वर्य सारा माधुर्य है। अरे कुछ प्रभु की कृपा का, कुछ हरि की भक्ति का, कुछ कौतुक कुछ रंग आप भी तो अपने जीवन में देखो। तो खैर हम बात कर रहे थे ज्ञानम, भगवान में ज्ञान नहीं है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान का अर्थ यहां है सर्वज्ञता, जो सब जानता है और सब प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा जी भी अपने ही कल्प की बात जानते हैं, वो भी बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ केवल प्रभु जानते हैं। तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने, राम ही जाने, राम ही जाने। अगला गुण ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम, अगला गुण है विरक्ति। अच्छा देखो बड़े बड़े सुंदर रीति से भगवान वेदव्यास ने कहा, तप कहा, तप कहने से पहले कहा शमो दमस तपह, तप कहने से पहले शम दम कह दिया, और यहां ऐश्वर्य कहने से पहले ही कह रहे, बोले इनसे अधिक ऐश्वर्य किसी के पास में नहीं है, और बोले इनसे बड़ा बैरागी भी और कोई नहीं है। विरक्ति, सकल ऐश्वर्य के निधान होते हुए, सकल ऐश्वर्य के स्वामी होते हुए, श्रीपति होते हुए भी, श्रीनाथ होते हुए भी, फिर एक गुण है इनका विरक्ति। विरक्ति अर्थात विषय राग राहित्यम। अब विरक्ति के इस अर्थ को भी जरा ध्यान से समझना। विरक्ति का अर्थ है विषय राग राहित्यम, जो विषय के राग से रहित हो। और कभी शायद आपने ही किसी ने पूछा था राग द्वेष क्या होता है, राग द्वेष का अर्थ क्या है, अच्छा याद हो तो बताओ। सुखानुषयी रागः दुखानुषयी द्वेषः, आपने किसी किसी विषय वस्तु से, किसी व्यक्ति से आपने सुख पाया, थोड़ी देर का आपको सुख मिला, अब उसी सुख को पुनः प्राप्त करने की जो इच्छा है उसका नाम है राग। ये राग की शास्त्रीय परिभाषा है,
इसलिए आरंभ में मैंने कहा ये जो शब्द है ना, इनका हम प्रयोग तो करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में कई बार, इनका अर्थ नहीं समझते। तो राग का अर्थ है किसी विषय किसी व्यक्ति से हमने किंचित सुख पाया, अब जो मन में उसी सुख को पुनः प्राप्त करने की जो इच्छा हुई उसका नाम है राग। और विरक्ति क्या है? बोले विषय के राग से रहित हो। विषय से रहित नहीं कहा है, विषय राहित्यम नहीं कहा, बोले विषय राग राहित्यम। वो जो विषय से सुख की आशा है, अगर अगर ये विषय राहित्यम कहा होता फिर महाराजा जनक और महाराजा अम्बरीश तो भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी वसुधा का ऐश्वर्य उनके पास में है, फिर वो कैसे भगवान के भक्त होंगे? तो विषय है लेकिन विषय में राग नहीं है, माने उस विषय से कोई सुख पाने की इच्छा नहीं है, कोई सुख पाने की आशा नहीं है। यद्यपि ये कठिन है, ये सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है, इसके लिए बड़ा दीर्घकालीन संयम का अभ्यास चाहिए। और मैं कहता हूं संयम का अभ्यास छोड़िए, वापस लेता हूं मैं अपने शब्द, मुझे लगता है इसके लिए तो भाई सीधे सीधे प्रभु के चरणों में अनुराग चाहिए। प्रभु के चरणों में प्रेम हो तब तो कोई बच सकता है, नहीं तो भाई विषय के चिंतन से ही मन फंस जाता है, विषय से कैसे बचा रहेगा? विषय के बारे में सोचकर ही मन फंस जाता है, विषय चिंतन करके ही व्यक्ति जीव को राग हो जाता है। अभी वो सुख पाया नहीं है, पाऊंगा पाऊंगा मिलेगा मिलेगा, इसी 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 में ही फंसता है। अब जिसका विवाह नहीं हुआ हो, होने वाला हो, अभी विवाह हुआ नहीं होने वाला है, अब जो होने वाला है इसका विचार करके ही भीतर लड्डू फूटते से रहते हैं ना। अभी तो वो विषय सुख मिला नहीं है, अभी तो केवल उसका विचार ही है, उसी से ही मन फंस गया। इसलिए मैंने कहा कि सरल नहीं है, इसके लिए बड़ा दीर्घकालीन संयम चाहिए, सत्संग चाहिए। और संयम और सत्संग के प्रसाद स्वरूप दृढ़ हरि की भक्ति हो तब ऐसा संभव है। इसलिए मैंने दो उदाहरण लिए, महाराजा जनक परम ज्ञानी है और महाराजा अम्बरीश जो परम भक्त है। एक ज्ञान की श्रेष्ठ अवस्था में आरूढ़ है और एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अपने हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करता है, भगवान के पात्र पखारता है, अरे और तो और अपने हाथ से चक्की चलाकर भगवान के लिए अन्न पीसते हैं महाराजा अम्बरीश। उनकी भक्ति ऐसी है। तो विरक्ति अर्थात विषय राग राहित्यम, सब कुछ होते हुए भी कोई विरक्त हो सकता है। चारों ओर सुख की सब सामग्री सब साधन होते हुए भी कोई विरक्त हो सकता है, और जंगल में एक कौपीन बांधे भी कोई आसक्त हो सकता है। हो सकता है उसके मन में विषय सुख प्राप्त करने की कोई इच्छा हो। इसलिए मैंने कहा इसको तो भाई एक ही गुण से पहचाना जा सकता है कौन विरक्त है। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। बोले वही दक्ष है और सकल लक्षणों से युक्त है, कौन? जाके पद सरोज रति होई, सोई कवि कोविद सोई रण धीरा, जो छल छाड़ी बजे रघुवीरा। तो आज ये बात समझ में आ गई, भाई विरक्त होने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, विरक्त होने के लिए तो मन को सुधारने की आवश्यकता है। विरक्त होने के लिए क्या छोड़ना है? विषय से सुख की आशा का त्याग करते ही कोई विरक्त होता है। कहीं पे भी रहो, जो संत कहते हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, जिसका मन ऐसा हो गया है वो विरक्त है। वो कहीं पे भी रहता हो, कहीं भी रहता हो। इसलिए आरंभ में मैंने आज आपसे एक बात कही कि महाभारत में
प्रारंभ में ही सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लगभग 38 भक्तों की वाणियां हैं, उसमें 35 गृहस्थ हैं। भक्तमाल में कितने ग्रस्त चरित्रों का वर्णन हम पढ़ते हैं। और मैं कहता हूं भाई, भगवान आते हो या भक्त आते हो, किसी सदगृहस्थ के यहां तो अवतार लेते हैं। भक्त भी आएगा भाई, किसी सदगृहस्थ के यहां ही तो आएगा। कोई तपस्विनी जननी ही तो भक्त को जन्म देगी, संत उसी की कोख से तो आएगा। भगवान भी गृहस्थ के यहां तो आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ को अनादर की दृष्टि से देखता है, अवज्ञा की दृष्टि से देखता है, बाहर जा नहीं सकता और जहां रहता है उसका आदर नहीं करता, तो कहीं नहीं पहुंचता। जहां रह रहे हो, पहले ही हमने कहा तप अर्थात स्वधर्म पालनम तपः, स्वधर्म पालन करना तप है। यदि आप ग्रस्त में भी हो तो भाई उसी प्रतिकूलता को, उसी प्रतिकूलता को तप समझकर सहना, यही आपकी आपकी आध्यात्मिक उन्नति का हेतु बनेगा, कारण बनेगा। जहां रह रहे हो उसके प्रति अवज्ञा अवहेलना का भावना लाओ। जीवन भर व्यक्ति यही करता है, जहां रह रहा है उसका मूल्य महत्व समझता नहीं, कहीं जाना है बस ऐसी कपोल कल्पनाओं में खोता, अपनी शक्ति अपना सामर्थ्य अपना समय गंवाता रहता नहीं। जो आपको प्रारब्ध से मिला, जो प्रभु की इच्छा से आपको मिला, उसको संभाल कर सावधानी पूर्वक सेवा समझ कर करते करते ही उससे निवृत्त हुआ जा सकता है। और फिर हमने समझ लिया कि विरक्ति का अर्थ ही है विषय राग राहित्यम। विरक्ति अर्थात, जोर से बोलो, विषय राग राहित्यम। राहित्यम ये विरक्ति है, विषय के सुख की आशा छोड़ देना, ये विरक्ति है।